दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब आज भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेलने उतरेगी तो टीम इंडिया की नजरें होंगी अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ करने पर। टीम इंडिया शुरुआत के दोनों मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया ने पिछले दोनों ही मुकाबले में अफगानिस्तान को बड़ी ही आसानी से शिकस्त दी और सीरीज पर कब्जा किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया के लिए ये आखिरी T20 मुकाबला होगा, तो ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में कुछ बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहेंगे। तो दोस्तों, आखिरी मुकाबले के लिए कैसी रहने वाली है टीम इंडिया का प्लेइंग 11, ये मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 17 जनवरी को शाम 7 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया शुरुआत के दोनों मुकाबले को जीतकर पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है, तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं, तो ऐसे में शुभमन गिल को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर नो डाउट विराट कोहली ही बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। नंबर 4 पर होंगे पिछले दोनों मुकाबले के हीरो शिवम दुबे। नंबर 5 पर इस बार जितेश शर्मा की जगह संजू सैमसन को शामिल किया जा सकता है, जबकि नंबर 6 पर रिंकू सिंह ही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 7 पर होंगे अक्षर पटेल, जिनको पिछले दोनों मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी धारदार गेंदबाजी से अफगानी बल्लेबाजों का खूब शिकार किया है। नंबर 8 पर इस बार वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है, क्योंकि सुंदर का प्रदर्शन पिछले दोनों मुकाबले में कोई खास नहीं रहा था। नंबर 9 पर होंगे रवि बिश्नोई, जिसने अपनी स्पिन की जाल में अफगानी बल्लेबाजों को क्या खूब फंसाया है। नंबर 10 पर होंगे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अभी तक इस सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की है, जबकि नंबर 11 के रूप में मुकेश कुमार या आवेश खान में से किसी एक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। ये रही मेरे हिसाब से प्लेइंग 11, आप अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।